बड़ी खबर सीमा हैदर और सचिन को लेकर है, जिनसे फिर पूछताछ की जा रही है। एटीएस और आईबी की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। अवैध तरीके से भारत आने को लेकर अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इस बीच एक बार फिर से दोनों सवालों के घेरे में हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे को ज्वाइन कर रही है सहयोगी ऋतु रोहिणी। ऋतु, क्या डिटेल इस बारे में, कहाँ पर हो रही है अब ये पूछताछ? देखिए सुधी, इस वक्त तो फिलहाल खबर यही है कि एटीएस जो है वो एक बार फिर से सीमा से पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी लगभग 28 घंटे से ज्यादा वक्त तक सीमा से पूछताछ हो चुकी है और आज सचिन और सीमा से साथ ही पूछताछ हो रही है। इससे पहले सचिन को उसके दो भाइयों के सामने आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की गई थी और लगातार जिस तरीके से हिंदुस्तान में सीमा ने गैर कानूनी रूप से एंटर किया है उसको लेकर के पूछताछ हो रही है। इसके साथ साथ सीमा ने सचिन से पहले किस किस से संपर्क किया है इसकी भी जानने की कोशिश हो रही है और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि फिलहाल गुप्त काम पे पूछताछ इनसे की जा रही है और लगातार इस वजह से पूछताछ करने की वजह सबसे बड़ी है क्योंकि जिस तरीके से सीमा पे जासूसी के आरोप लगातार लग रहे हैं उसको देखते हुए लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सीमा कहीं इससे पहले भी लगभग 20 घंटे तक दोनों का सवालों से सामना हुआ है और जिस तरीके से उसमें खुलासे हुए उसके बाद कड़ियों को जोड़ते हुए आज एक बार फिर सचिन और सीमा से पूछताछ की जा रही है।